इसका पत्र मेरे को जिसने भेजा है गोपनीय वो मेरे पास है, और एसओजी वालों ने मिलकर जो राज्य के छात्रों के साथ खिलवाड़ किए, उनका भविष्य अंधकार में डाला है, उनको मैं गिरफ्तारी की और निलंबन की मांग करके आया हूँ। या तो उनको गिरफ्तार करें, उनको गिरफ्तार करके पूछें कौन कौन बड़े नेताओं ने उनको फ़ोन किया, किस किस को नौकरी लगवाई, किस किस को बचाया, वरना मैं बाद में सत्याग्रह करूँगा और यहीं करूँगा। किस किस के नाम पर उनको भूपेंद्र सारंग ने आपको लेटर कब लिखा और इसमें ये लेटर है, ये मैंने अब उजागर किया है, ये लेटर है 10/12/22 तत्कालीन एसओजी में जो 6 अधिकारी उनके लिए है। हाँ किरोड़ी लाल जी, सत्याग्रह कब करेंगे, कोई टाइमलाइन देंगे क्या? अब कार्रवाई नहीं होगी तो सत्याग्रह करेंगे, टाइमलाइन का है कि कार्रवाई को 15 दिन तो देने ही पड़ेंगे इनको। मोहन पोसवाल गिरफ्तार हो, निलंबन हो, शिव सिंह राठौड़ को पकड़ें और वो बड़े बड़े नेताओं के नाम उजागर करेंगे, नहीं करेंगे तो मैं एसओजी को कागज दे ही रहा हूँ, ये उसमें कार्रवाई करेंगे। पैसे दिए थे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन किया है या कैश? अरे या तो ऑफिस से आगे चलते हैं, यहाँ तो ऑफिस है, यहाँ मॉडल कोड, कौन कौन से पेपर की, यहाँ एसओजी का, यहाँ एसओजी का मॉडल ऑफ कोड, एक बार चुप हो जाओ सब, ये दो तीन घंटे यहाँ पकड़ लो यार, मॉडल ऑफ, कोड ऑफ कंडक्ट है यहाँ, इसलिए अपन आगे करते हैं। ये एक पत्र है, ये एक पत्र है जो मेरे को डाक से मिला, जो भूपेंद्र सारण है जो अभी जेल में, भूपेंद्र सारण जेल में पेपर लीक के मामले में भूपेंद्र सारण जेल में है, उसका पत्र मेरे को मिला, पहले ही मिल गया था, और उसने इसमें ये बताया है कि मेरे से एसओजी के लोगों ने रिश्वत बतौर विभिन्न समय पर 64 लाख रुपए लिए, 10 लाख कभी, 15 लाख कभी, 24 लाख कभी, और इसलिए मैंने कहा है एडिशनल डीजी वीके सिंह जी को कि ये सच्चा है, और जब एसओजी ही मिल गई, मतलब बाढ़ ही खेत को खाने लग गई, तो फिर कुछ नहीं बचने वाला है। और ये अधिकारी है जो मैंने आपको ध्यान हो तो पहले पत्रकार वार्ता में 22 में बताया था, मोहन पोसवाल जो है इंस्पेक्टर है, और मैं उस सिपाही का नाम भी बता के आया हूँ जो निर्दोषों को फंसाता था, दोषियों को बचाता था, और करोड़ों रुपए मोहन पोसवाल ने इकट्ठे किए, वो एक अलग बात है, पर दोषियों को छोड़ दिया, निर्दोषों को फंसा दिया, और एक आदमी ने मेरे को इसकी जानकारी दिया 64 लाख रुपए लेने की। मैंने पता किया है कि ये कई बयान, मुझे पता लगा है कि मोहन पोसवाल ने एसओजी को जो प्रेजेंट में जहाँ पूछताछ की, मोहन पोसवाल के बारे में भूपेंद्र सार ने यही बयान दिए जो मेरे को लिख के भेजा, इसलिए मेरी मांग है कि एसओजी की सफाई हो। और मोहनलाल पोसवाल ने कई नेताओं के कहने से पिछली सरकार के सत्ताधारी दल के नेताओं के कहने से कई को फंसाया, कई को छोड़ा है, इसलिए इसमें मोहन पोसवाल को बर्खास्त करके, निलंबित करके उससे जांच की जाए।
मैं धन्यवाद देना चाहूँगा एडिशनल डीजी साहब को कि उन्होंने तुरंत सरकार को पत्र लिखा है उससे पूछताछ करने के लिए। एक तो ये है।